तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन के डायलर में कोई भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं तो कैसे आप लगाएंगे अपने फ़ोन के डायलर में फ़ोटो, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी का प्रोसेस बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको 100% वर्किंग ट्रिक के साथ बताऊंगा। दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, आप उसमें बहुत ही आसानी तरीके से किसी का भी फ़ोटो अपने फ़ोन के डायलर में लगा सकते हैं। मैं आपको सभी प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा और 110% वर्किंग ट्रिक के साथ। तो दोस्तों फ़ोन के डायलर में फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें फ़ोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। और फोन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहां पर राइट साइड में यहां पर हमें 3 डॉट मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहां पर हमें इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सेटिंग पर हमें क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर काफ़ी सारे सेटिंग आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहां पर हमें इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमें एक सेटिंग मिलेगा कॉलिंग अकाउंट। तो अब दोस्तों यहां पर हमें कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। और कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर फिर से काफ़ी सारे यहां पर सेटिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे में एक सेटिंग मिलेगा फोटो एज डायलर, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो एज डायलर। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें फोटो एज डायलर पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये सेटिंग यहाँ पर नहीं मिलता है फोटो एज डायलर, तो फिर मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊंगा। लेकिन आप पहले प्रोसेस देख लीजिए कि किस तरीके से फोटो लगाते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फोटो एज डायलर नाम से सेटिंग नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं फोटो एज डायलर पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर हमें फ़ोटो देखने को मिलेगा। तो अगर इस फोटो को हम अपने फ़ोन के डायलर में लगाना चाहते हैं तो वो फ़ोटो यहाँ पर हम चूज करेंगे। अगर हमें गैलरी से कोई फ़ोटो लेना है तो यहाँ पर हम गैलरी पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो भी परमिशन मांगेगा उस परमिशन को यहाँ पर हमें अलाउ करना है। और परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। तो जिस भी फ़ोटो को हम अपने फ़ोन के डायलर में लगाना चाहते हैं वो फ़ोटो यहाँ पर हम चूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फ़ोटो चूज कर लिया हूँ। और फ़ोटो चूज करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम इसको क्रॉप कर देंगे, जिस तरीके से रखना उतना हम यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं इतना रख लेता हूँ, देख सकते हैं। तो जितना आपको रखना है उतना आप यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। और क्रॉप पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्रॉप एंड अप्लाई इस पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोटो यहाँ पर लग के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा फ़ोटो यहाँ पर लग के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर लगा सकते हैं फ़ोटो। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर जिस तरीके से मेरे पास सेटिंग में आ रहा था ऑप्शन फ़ोटो एज डायलर, अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको दोस्तों मैं आपको दूसरा ट्रिक बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें सर्च बार पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फ़ोटो एज डायलर, इस तरीके से यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फ़ोटो एज डायलर। तो यहाँ पर आ जाएगा काफ़ी सारे एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, माय फ़ोटो फोन डायलर। इस पर हमें क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका पेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर रीड एंड एक्सेप्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद चेंज डिफॉल्ट ऐप इस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हमें फोन ऐप पर क्लिक करना है, दूसरे वाली पर। एंड उसके बाद यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें फिर से डायलर पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें गैलरी पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो भी परमिशन मांगेगा उस सभी परमिशन को यहाँ पर हमें अलाउ करना है। एंड उसके बाद जो फ़ोटो को हम अपने फ़ोन के डायलर में लगाना चाहते हैं वो फ़ोटो यहाँ पर हम चूज करेंगे, जिस तरीके से रखना उस तरीके से यहाँ पर हम क्रॉप करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर क्रॉप एंड अप्लाई इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरे फ़ोन डायलर में यहाँ पर फ़ोटो लग चुका है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट देखना है तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको राइट से लेफ्ट करना इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के।